का दूसरा स्टॉक है आपके लिए वाटर बेस्ड लिमिटेड, जहां पर खरीदारी की राय बन रही है 175 रुपए के टारगेट के साथ। देखिए सुबह हमने आपको बताया था एक तगड़ा ब्रेकआउट बन रहा है वेंकीज में, तो ये खाने पीने की चीजें वो भी हाई प्रोटीन डाइट जो नॉन वेज वाली है। इस समय ठंड का मौसम है, नया साल, क्रिसमस, छुट्टियों का समय, और इसमें ये सीजनली बेहतरीन वक्त है इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए खरीदारी का। और पिछले हफ्ते यहां पे गिरावट आई है जो आपको एंट्री का मौका दे रही है, तो वाटर बेस में आपको यह मौका हरगिज चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी बेहतरीन होते हुए नजर आए हैं। इसमें जो पूरी कोविड रिलेटेड फॉल देखी थी, देखिए इससे अब यह बाहर आ गया है, और जो पूरा डर था लोगों में कि नॉनवेज का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, श्रिम्प का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, वो सब खत्म हो गया। इनफैक्ट अगर आपने खबर सुनी हो तो पिछले हफ्ते ही जापान ने एक घोषणा की, उन्होंने क्या कहा कि वो भारत से आने वाले टाइगर श्रिम्प पे पहले इंस्पेक्शन करते थे, कंपल्सरी इंस्पेक्शन था, उसको हटा लिया गया। जी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस दूर हो रहे हैं, और इनफैक्ट एशिया के बाजारों में बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है भारतीय श्रिम्प की, चाहे वो चीन हो, जापान हो, या कई और दूसरे देश हो, यूरोप और अमेरिका में भी ऑफकोर्स हो रही है। तो ये जो कंपनी है जो श्रिम्प बनाती है, श्रिम्प प्रोसेसिंग करती है, श्रिम्प फीड बनाती है, उस लिहाज से ये कंपनी बहुत ही वेल पोजिशनड है इस पूरे साइकिल का फायदा उठाने के लिए। तो एक तरफ तो रीसेंट करेक्शन आया है वो आपको अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है, दूसरी तरफ जो कोविड का डर था वो दूर होता नजर आ रहा है और वो ट्रेड नॉर्मलाइज हो रहा है। पिछले क्वार्टर में कुछ हुआ, इस क्वार्टर के नतीजे आपको और बेहतरीन आते हुए नजर आएंगे, और वो अभी तक बाजार ने फैक्टर इन नहीं किया है, ये करेंट प्राइस देखते हुए हम जरूर कह सकते हैं। तो ये वक्त भी है, मौका भी है, और प्राइस भी है, इसलिए आपको इसमें तुरंत एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप देखिए तो वैक्सीन का प्रोसेस जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो और भी एक दूसरा बूस्टर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए पहले वेंकीज और वाटर बेस पे मेरी नजर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए हम कोई भी कंपनी चुनते हैं तो उसके फंडामेंटल्स, उसकी प्रोडक्ट, इन सब पे जरूर नजर डालते हैं। तो इस कंपनी की कुछ दो तीन बातें मैं खासतौर पर हाईलाइट करूंगा, फिर सर्वेंद्र जी अपने चार्ट पर देखते हुए राय देंगे। ये कंपनी डेट फ्री है, मुश्किल वक्त में डेट फ्री कंपनी को दिक्कतें नहीं आती, वो बड़े आराम से सेल थ्रू हो जाती है, और वही आपने यहां पे होते हुए देखा। पिछला क्वार्टर ही नॉर्मलाइज हो गया था काफी हद तक, अगला तो और बेहतर होगा। 25% डिविडेंड ये आपको पे करते हैं अपने मुनाफे का, तो कैश रिच कंपनी है ये, एक और आपके लिए रीअश्योरेंस स्मॉल कैप में खासतौर पर। रिसर्च जो हमारे सामने निकल कर आ रही है कोविड के बाद, मैंने देखा किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो डबल डिजिट ग्रोथ अगले 5 सालों तक जारी रहेगी ये संभावना है। तो अगर आप इस साइकिल को इस इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं वाटर बेस जैसे स्टॉक के लिए, तो जाहिर है कि आपको एक बहुत अच्छी तेजी खेलने का मौका अगले कई सालों तक मिलने वाला है। अगर आप हाल का प्राइस ट्रेंड देखेंगे हमारे बाजारों में भी, जो ये हाई प्रोटीन आइटम्स हैं, एग, फिश, मीट वगैरह, और इवन दूध और दालें भी, इन सभी के प्राइस में बहुत तगड़ा रीबाउंड देखने को मिल रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि एक प्रोटीन इन्फ्लेशन दुनिया में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे डिमांड को मीट करने के लिए पर्याप्त सप्लाई नहीं आ रही, और दुनिया भर में इन प्रोडक्ट्स के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप फूड की पूरी बास्केट देखें और आपके फूड में मुझे कहां दाव लगाना है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही शानदार पॉकेट बनता है जिस पर आपको बेट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म बुल साइकिल है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे हाई प्रोटीन डाइट का कंजम्पशन बढ़ रहा है भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में, दूसरे एशियन मार्केट्स में, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में, और यूरोप और अमेरिका तो खैर वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट है ही। अब आप देखिए इस कंपनी में दूसरी अच्छी बात यह है कि इन्होंने श्रिम्प फीड के साथ श्रिम्प प्रोसेसिंग का जो बिजनेस कर रखा है, जो प्रोसेस्ड श्रिम्प का ये कारोबार करते हैं, वो एक वैल्यू एडिशन करता है, मार्जिन को बढ़ाता हुआ नजर आता है। एक आखिरी बात, और ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, देखिए ये मैं हर बार हर कंपनी में जरूर देखता हूं, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं। जब कोविड का स्केयर चल रहा था और बाजार में निवेशकों को बड़ा डर लग रहा था वाटर बेस के स्टॉक पे, तो उन्होंने बहुत बिकवाली की। इस दौरान प्रोमोटर्स ने क्या किया ये देखिए, जनवरी में ये स्टॉक था 165 रुपए का, और जब इसको पीट कर आप 80 रुपए की रेंज में ले गए, वहां पर प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक 67 से बढ़ाकर 69 कर लिया। पिछले दो क्वार्टर में प्रोमोटर्स की ओर से लगातार बाइंग हुई है। देखिए जिसकी कंपनी है वो आपसे बेहतर जानता है कि उसके प्रोडक्ट का क्या भविष्य है, वो डरने की जगह स्टेक ले रहे हैं। आपको इससे बड़ा आश्वस्त करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर इस स्टॉक को फिलहाल चुना है। मुझे पूरा भरोसा है जनवरी के हाईज ये निकालेगा, जिस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है, 175 का पहला टारगेट, और उसके बाद और आगे के टारगेट्स आपको खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कारोबार बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है।